Okay. Hi everyone, good afternoon. Hello. Come, should we, what are we doing? Oh, tum aa gaye. We'll do some photos first, we've been told, and then we will proceed. So I'll keep the mics with you. भाई बैठ जाओ ना, बैठ ना भाई, सर सर लेट्स प्ले द ट्रेलर वंस अगेन. The floor is now open for questions. You may now address the talent. Yes. आज आप लोग पहचान में ही नहीं आ रहे. सबको पीपी किट पहना दिया. गुड, सेफ्टी फर्स्ट ना. सेफ्टी फर्स्ट. लेकिन आपसे मुझे कौन सेफ रखेगा? नहीं नहीं, सब सेफ है यहाँ पर, हर कोई. सबसे पहला सवाल आप ही का होने वाला है. हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन. सो डिफरेंट किरदार है आपका, एंड डार्क शेड्स में हम आपको देख रहे हैं फर्स्ट टाइम आई थिंक, जितना मेरा नॉलेज है. सो कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड अगर आप कुछ बता सके, क्योंकि रिबू जी फर्स्ट टाइम आपके साथ में एसोसिएशन हो रहा है, तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि विथ परिणीति जी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस. सो परिणीति जी, पहले आप जो डार्क शेड्स है, ये काफ़ी डिफरेंट अंदाज में दिखाई दे रहा है, अगर आप बता सकें. एक्चुअली आपके सवाल में मेरा जवाब है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह की फिल्में मैं करती आई हूँ और जिस तरह का के किरदार मुझे ऑफ़र भी होते थे और मैं खुद सिलेक्ट भी करती थी, मैं उसको ब्रेक करना चाहती थी, मैं उसको तोड़ना चाहती थी. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जिसमें मैं आप लोगों को सरप्राइज़ कर पाऊँ. यू नो, लोग ये फिल्म देख के बोलें कि अरे ये हमने पहले कभी देखा नहीं है. तो एक्चुअली आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी थैंकफुल कि यू नो इन्होंने सोचा कि मैं ऐसी फिल्म कर सकती हूँ और मैं ऐसा रोल कर सकती हूँ. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आप जिस तरह का काम करते हैं वैसे ही काम आपको ऑफर होता रहता है, क्योंकि लोगों को लगता है आप वही कर सकते हैं. लेकिन एक्टर्स में इतनी ज़्यादा भूख होती है अलग अलग चीज़ें करने के लिए, वो जब तक आपको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिले आप दिखा नहीं सकते. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब अब एक हफ्ते से भी कम रह गया है, 5 दिन रह गए हैं अब, एंड आई एम होपिंग टू सी, आई एम रियली वेटिंग टू सी कि आप लोग क्या बोलते हैं ये देख के. बिल्कुल. रिबू जी, अगर आप बता सकें. आई थिंक व्हाट शी मेंशन कि उन्होंने पहले ऐसे काम नहीं किए, और कि जनरली मेकर्स प्रोड्यूसर्स आपको एक ढांचे में डाल देते कि आपको यही आता है, एंड यू नो काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन वही आपका आगे का भी काम डिसाइड करता है. तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा बीट था मेरे लिए कि इनको ही कास्ट किया जाए, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया नहीं है. क्योंकि मुझे पता है कि एक एक्टर जो होते हैं, उनको दे आर थ्राइविंग टू डू न्यू वर्क. तो अगर आप उनके सामने कुछ ऐसा कर्व बॉल फेंको, एक यू नो चैलेंज फेंको, तो आई थिंक उनका सबसे द बेस्ट कम्स आउट ऑफ देम. और मुझे बहुत मज़ा आता है ये ऐसे प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग में, जहाँ पे आप एक कलाकार को लेके पिक्चर बनाते हो, जहाँ पे उन्होंने जो भी काम किया है, यू शेड ऑल दोज कलर्स फ्रॉम देम, और एक नया कलर आप एक साथ कोलैबोरेटिव मीडियम में कोलैबोरेट करते हो, एक नया कलर उभर के आता है, एक नया कलर बनाते हो, और वही इमेज वही कलर के साथ आप वो पिक्चर बनाते हो. तो मुझे लगता है वो एक नया फाइंडिंग है, नया विजन है. बट वो इट कैन ओनली बी पॉसिबल वेन द एक्टर इज सो मच हंग्री एंड सो मच यू नो लुकिंग टू डू सो मच न्यू वर्क. एंड आई थिंक मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मुझे ये फिल्म दोबारा बनाने कोई बोले, आई वुड स्टिल वॉन्ट टू मेक द फिल्म, आई वुड अगेन एंड अगेन वॉन्ट टू मेक द फिल्म विद ओनली हर, बिकॉज आई थिंक
जैसे मैंने फिल्म एक डेढ़ साल पहले मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी और जैसे मुझे बनाना था द विजन आई हैड जो मुझे फाइनली फाइनल कट जो हुआ है तो फाइनली जो अभी 26 तारीख को रिलीज़ है तो मुझे लगता है कि आई थिंक दैट वाज द बेस्ट कोलैबोरेशन एंड आई थिंक कि उन्होंने जो पहले नहीं किया है वो सबसे बड़ा प्लस था जी। लंदन में ये सारी शूटिंग हुई है तो अगर आप बता सकें कि ट्रेन में ट्रैवल करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस। आई एम श्योर आपको पता है कि लंदन मेरा दूसरा घर जैसा ही है, वहीं पे मैंने पढ़ाई की है, मेरे दोस्त वहीं पे हैं, मेरी इतनी फैमिली वहाँ पर है, तो जितना भी मेरा ट्रेन का सफ़र का जो एक्सपीरियंस है वो सब लंदन में ही है। लेकिन ऑफ कोर्स एक बहुत अलग फीलिंग होती है जब आप उस ट्रेन पर बिना टिकट के एक्टर के बतौर शूटिंग के लिए चढ़ते हैं, वो बहुत अलग फीलिंग होती है। एंड कितनी बार मैं इतना इमोशनल फील करती थी कि कैसी ज़िंदगी है कि यू नो 10 साल पहले मैं इन्हीं ट्रेन्स में सफ़र करती थी काम ढूंढने के लिए या जॉब्स पे जाने के लिए, और आज मैं उसी ट्रेन पे बैठ के मेरा कोई शॉट ले रहा है, मेरे कोई क्लोजअप ले रहा है। तो आई गेस दिस इज़ लाइफ, मतलब मेरे नाम का मतलब ही डेस्टिनी है और मैं बहुत डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी मैनी एक्सपीरियंसिस केम टुगेदर। So Girl on the Train is already one Hollywood film, The Girl on the Train. So when it comes to, as you said, written and directed, and मतलब आपने पूरा एक साल पहले उस पर काम किया, तो आई एम श्योर आपने वो फिल्म देखी होगी और उसके बाद इंस्पायर होंगे। सो हाउ चेंजेस वी आर गोना सी इन दिस व्हेन इट कम्स टू डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब हम एक फिल्म का रीमेक देखते हैं तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो काफ़ी सिमिलर होती है। सो व्हेन इट कम्स टू दिस फिल्म जो कि बॉलीवुड फिल्म हम कहेंगे, सो कितना चेंज हमें दिखने वाला है, क्या शॉर्ट्स हमें कुछ अलग दिखने वाले हैं, इट इज़ वेरी मच सिमिलर, व्हाट आर द डिफरेंसेस वी आर गोना सी इन दैट। व्हाट डिफरेंस डू यू सी नाउ एंड यू, बिकॉज़ आई एम श्योर यू हैव सीन द ओरिजिनल, आई एम श्योर यू फाउंड समथिंग न्यू हियर, आई कैन ओनली होप फॉर दैट। बट सी द आइडिया वाज टू मेक ऑफ कोर्स व्हेन द ओरिजिनल फिल्म हैड कम इन 2016 आई हैड सीन द ट्रेलर इन द बिगिनिंग 2013 16. Okay, maybe yeah. I am bad in that. Yeah. So I had seen the trailer and I thought that this is something I should, you know, get into and try to make. Mm. And then I saw the film, but I didn't know that who has the rights for the film. But then of course Reliance had the rights for the film and Shibashi had offered me the film and he said that, do you want to make this? And I said, oh, lovely. I was wondering ki kiske paas rights hai. बट एक बड़ा सवाल था, द बिगर क्वेश्चन वॉज दैट कोई भी फिल्म हो रीमेक बनाओ कि नॉवल से आप उसको अडेप्ट करो, वॉट विल बी योर टेक एज अ मेकर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो सवाल का अगर आंसर नहीं है तो पिक्चर नहीं बनानी चाहिए। सो आई थिंक जब तक वो सवाल की आंसर नहीं था मेरे पास, तो आई डिड नॉट से ओके टू इट, इन द सेंस दैट आई डिड नॉट से दैट कि नहीं मुझे बनानी है। फर्स्ट आई आस्क माई सेल्फ दैट क्वेश्चन, दैट वॉट इज़ योर टेक, वॉट विल यू ब्रिंग here, because the film is out, there's a book, everything is there, so that is very important. So I think I found that answer somewhere in this journey and then I wrote the script. Of course when you see the film on the 26th you will see that the characters are more and much more detailed, it's much more layered, layered in terms of me as a maker. I'm not saying that wo kam layered tha, ye zyada layered hai, not at all. Or of course it's a Hindi film, I am a Hindi film industry filmmaker. I make films too for Indians, primarily जो कि हिंदुस्तान की जनता है उनको उनका कंजम्पशन के लिए, तो ऑफकोर्स उसके लिए जो भी कुछ इधर उधर चेंजेस करना था हमने किए हैं वो, बट प्राइमरीली द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड स्टोरी इज सिमिलर बिकॉज हमारे पास उसके राइट्स थे, बट ऑफकोर्स वंस यू सी इट ऑन द 26th you will know what I'm saying. So coming to the Pariniti, when you got an offer for this film, as you said you waited long to do such character, so what was your reaction? You also thought like yaar already Hollywood mein aa gayi hai, we are gonna make a Bollywood, so kis tarah se character sketch pe kaam hua hai? एक्चुअली ये फिल्म का जो ऑफ़र था ना वो बहुत जैसे यूजुअल ऑफ़र होता है, आपको फ़ोन किया जाता है, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और हाँ बोलते हैं, एग्जैक्टली वैसा था नहीं। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज मैं ऑलरेडी जिस तरह की फिल्में कर रही थी, मैं 2-3 सालों से सोच रही थी कि मुझे कुछ अलग करना है यार, मैं बोर हो रही हूँ, मैं सैचुरेट हो रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कितना और अलग करूँ, लेकिन वो आधी मेरी गलती भी थी क्योंकि मैं वैसे रोल सिलेक्ट भी कर रही थी। तो 2-3 सालों से मैं सुन रही थी कि ऐसी एक फिल्म बन रही है गर्ल ऑन द ट्रेन, और मैंने ऑब्वियसली किताब मतलब मेरे घर में बहुत किताबें हैं, मैं बहुत किताब पढ़ती हूँ, सो दिस वॉज वन ऑफ देम।
एंड मैंने सुना कि ये कहीं पे हो रही है. उस टाइम मैंने सुना कि इसकी कास्टिंग हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो अभी गई ये फिल्म, मेरी हाथ नहीं है, मैं कुछ और ढूंढती हूँ. फिर एक दो साल तक मैंने सोचा कोई शूटिंग की खबर नहीं है, कोई ये फिल्म बन नहीं रही है, इसको ज़रा दोबारा पूछा जाए. सो आई काइंड ऑफ रीच्ड आउट टू देम एंड सेड कि यू नो आप अगर ये फिल्म बना रहे हैं, आपको लगता है कि मैं सही हूँ, कैन आई रीड द स्क्रिप्ट. एंड वहाँ से जवाब यह है कि अरे हम लोग भी आप ही को एक्चुअली कॉन्टैक्ट करने वाले थे. तो सिमिलर टाइम पे आप इमेजिन कीजिए, मतलब दो साल के गैप के बाद सिमिलर टाइम पे हम लोग एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर रहे थे. सो लाइक आई सेड, किस्मत एंड डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज़ होती है. सो फाइनली मैंने ये फिल्म की एंड आई थिंक इट वॉज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड. नो डाउट, एज वी कैन सी यू इन द फिल्म ऑल्सो, यू आर लुकिंग ट्रेमेंडसली ऑसम एंड थैंक श्योर. आपने आपके पर्सनैलिटी पर काफ़ी सारा काम किया है, बिकॉज टू डू सच कैरेक्टर as we are seeing there's action, there's thriller, so kitna work laga to come down in that particular character. Wo sab inka hai, unko humne ek room pe lock kar diya tha 7 din ke liye aur phir bahut peeta unko humne. Nahi nahi, it's a process yaar. मैं एक्चुअली ऐसी इंसान, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है मैं ऐसी इंसान हूँ नहीं, लेकिन इसलिए फिल्म करने में इतना मज़ा आया मुझे, बिकॉज आई फेल्ट लाइक जब मैं एक सीन पढ़ती थी तो जो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता था ये सीन करने के लिए, मैं उसको कैंसिल करती थी और मैं दूसरा कोई इंस्टिंक्ट ढूंढती थी, यू नो, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था, आई यूज़ टू फील लाइक इट्स वेरी मी. एंड वी ऑलवेज यूज़ टू मेक दिस जोक कि हमको अच्छी एक्टिंग नहीं देखनी, हमको नई एक्टिंग देखनी है, यू नो, वी वॉन्ट टू सी समथिंग न्यू फ्रॉम यू. तो हमेशा मैं सोचती अच्छा ये लाइन मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं उसको कैंसिल करके कुछ और ढूंढती थी. सो द प्रोसेस वॉज, जब मैं शूट कर रही थी, हमारी बातें, हमारी डिस्कशंस, and we made it as we went. लेकिन मैंने इस फिल्म के लिए बहुत होमवर्क किया है. आई रिमेंबर मैंने प्रोडक्शन को बोला था कि मेरे कमरे में लंदन में एक बहुत बड़ा मिरर लगा दो और उस मिरर के सामने मैं चलने की प्रैक्टिस, और क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखा अल्कोहलिज्म का है और उसकी प्रैक्टिस मुझे ज़्यादा है नहीं, तो वो ड्रंक कैसे लगेगी, वो दिखेगी कैसी, आँखों को कैसे अफेक्ट करता है अल्कोहल, ये सब चीज़ें मैं रिहर्स करके अगले दिन सेट पर जाती थी. माइक, मिल रहा है इंडस्ट्री की तरफ से इस ट्रेलर को लेके, कुछ बताना चाहिए? आपके फ्रेंड्स, कई सारे फ्रेंड्स हैं. मुझे एक्चुअली इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे फिल्म रिलीज हो चुकी है और फिर मुझे याद करना पड़ता है कि अभी एक हफ्ता बाकी है, अभी फिल्म आनी बाकी है. बट ऑनेस्टली मैं इस बारे में भी बहुत मजाक करती हूँ कि जिस दिन हमने ट्रेलर रिलीज़ किया था उस दिन मुझे मेरा फ़ोन 4 बार चार्ज करना पड़ा, क्योंकि इतने फ़ोन्स और मैसेजेस पे मैं थी. और ये मैं बहुत पॉजिटिवली बोल रही हूँ ऑब्वियसली, कि आई नेवर रिसीव्ड सच अ रिस्पॉन्स. जहाँ भी मैं जा रही हूँ लोग इस फिल्म के बारे में मुझे बोल रहे हैं. सो हम लोग तो नर्वसनेस से मर रहे हैं ऑनेस्टली, बट आई होप अभी बस 5 दिन में यू नो सब अच्छा जाए. प्लीज़ प्रे फॉर अस. सो हेलो सर, हेलो मैम. बीइंग एन इंडियन अडेप्टेशन, व्हाई डिड यू चूज टू नॉट मेक द लोकेशन ऑफ द शूट ऑल्सो इंडियन पर से? इन इंडिया? इन इंडिया, या. ओह, दिस स्टोरी बिहाइंड इट, यू नो. तो बिकॉज इसके पहले वाली फिल्म मैंने कलकत्ता में बनाई थी, तो अदिति राव हैदरी जो है हमारे यू नो दूसरे वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शी इज प्लेइंग, तो अदिति का एक सजेशन था कि रिभु आप ये पिक्चर कलकत्ता में क्यों नहीं बनाते हो, बिकॉज इंडियन अडेप्टेशन है, कलकत्ता है, आपने कलकत्ता में शूटिंग किया है, पिछला फिल्म आपने बनाई है. तो मेरा एक ही आंसर था उसका, कि अगर वो कलकत्ता में बनाऊँगा तो वो गर्ल ऑन द ट्रेन नहीं होगा, वो गर्ल ऑन द ट्रैम हो जाएगा. तो मुझे लगा कि उतना धीरे धीरे यू नो ट्रैम चलती है तो पिक्चर भी उतना ही स्लो हो जाएगा. नहीं, ये जोक है, ये जोक था. ऐसे जोक्स हमें पूरे दिन सुनने पड़ते हैं, आप लोग तो बस आधे घंटे के लिए सुनने आए हो, सोचो हमारी हालत. एक्चुअली जो बुक है वो लंदन में बेस्ड है, जो फिल्म बनी थी एमिली ब्लंट के साथ वो न्यूयॉर्क में थी, तो मुझे आई वॉन्टेड टू बी ट्रू टू द बुक, तो इसीलिए लंदन. और जब आपको पता है इनका दूसरा घर है लंदन में, तो हमको लगा कि घर में भी रहेगी, शूटिंग भी हो जाएगा घर में रहेगी. बट ये लोग बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा लंदन में, क्योंकि मैं कहीं भी जाती थी तो वो लोग मुझे अगले दिन जैसे लोकेशन बताते थे कि अच्छा हम लोग यहाँ शूट करें, तो मैं बोलती थी अच्छा हाँ ये ना, तो ये लोग बोलते थे कि तुम प्रोडक्शन ज्वाइन कर लो या कि लोकेशन मैनेजर बन जाओ, तुम एक्टिंग छोड़ दो इस फिल्म के लिए. लंदन में आपको ट्यूब में ट्रैवल करने के लिए ना एक कार्ड लगता है, उसका नाम है ऑयस्टर कार्ड.
तो इनके अगर आप वॉलेट देखोगे ना, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेंगे, ऑयस्टर कार्ड बिल्कुल मिलेगा आपको. Unfortunately, we are running out of time. We only have time for one last question. Actually, मेरा सवाल ये है, जिस तरह से द गर्ल ऑन द ट्रेन एक अलग स्टोरी है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसी तरह आने वाले समय में क्या आप किस तरह की स्टोरी पे काम करना चाहेंगे? आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आपने सोचा है जिस पे काम करने का, ऐसा कुछ है आपके पास थिंकिंग? मैं आपको एक्चुअली एक बहुत ज़रूरी बात बोलना चाहती हूँ. मुझे ऐसा लगता है जेन्युइनली, और हम इस बारे में बहुत मजाक भी करते हैं, कि इस फिल्म ने ना मुझे बदल दिया है एज अ पर्सन, एज एन एक्टर. क्योंकि मैं हमेशा से एक बहुत यू नो गीकी स्टूडेंट एकेडेमिक लड़की थी, एंड मुझे टीचर से सवाल करना, क्लास में टॉप करना, हर जगह यही मेरा सिस्टम था. और आपको पता है कि मैं पहले बैंकर थी एक्टर बनने से पहले. तो इस फिल्म पे ना मुझे वही प्रोसेस दोबारा मिला. एक टीचर, एक स्टूडेंट होमवर्क कर रहा है. मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई हीरोइन हूँ और मैं सेट पे बस 4 घंटे शूटिंग करके घर जा रही हूँ. यू नो इट फेल्ट लाइक कोई भी मीडियोकर टेक ओके नहीं होगा. मुझे डांट पड़ती थी जब मैं कुछ गड़बड़ करती थी, जब अच्छा करती थी तो यू नो मुझे ताली बजती थी. सो इट मुझे फाइनली इस फिल्म पे जाके लगा कि यस, ऐसे मुझे काम करना था और ऐसी फिल्मों पे काम करना है. सो आई फील कि अभी मेरे जितने भी आगे के चॉइसेस होंगे, जिस तरह की भी मैं फिल्में करूँगी, जैसे ऑलरेडी मैंने साइना नेहवाल शूट की है, इसके बाद मैं एनिमल शूट करने जाऊँगी, ऑलरेडी मेरा प्रोसेस बदल गया है. यू नो द वे आई चूज स्क्रिप्ट या द वे आई रीड स्क्रिप्ट, मैं पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मैं पहले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ काम को लेके, यू नो एवरीथिंग. सो आई विश ये फिल्म और भी पहले आ गई होती मेरी लाइफ में, मैं पहले से ही ये सेट हो जाती. मैम, द गर्ल ऑन द ट्रेन का कुछ गाना है जो आप गाकर सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए. ये तो हो नहीं. ओके या तो मैंने एक गाना गाया है मतलब ही यारियां, तो मैं उसकी दो ही लाइन गाऊंगी. सोई नजर में 100 दर्द जागे, बिखरती गई मैं जोड़ जोड़ धागे, हारियां यारा मतलब ही थी तेरी यारियां, हारियां यारा मतलब ही थी तेरी यारियां. सुपर सुपर, थैंक यू थैंक यू. परिणीति जी ऐसे एक्टिंग के साथ साथ गाना भी बहुत अच्छा गाती है. जी बिल्कुल बिल्कुल. हम कब से बोल रहे हैं वी कैन प्रोसीड टू फोटोग्राफ्स नाउ? सॉरी, वी कैन प्रोसीड फॉर पिक्चर्स. सर, ही इज इन द मिडिल ऑफ द क्वेश्चन. हां, द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड द व्हाइट टाइगर भी आई है प्रियंका चोपड़ा जी की नेटफ्लिक्स पे, अगर आपने देखी हो. ऑफ कोर्स. सो अगर आप बता सके कि आपका क्या रिएक्शन था, लाइक हमने देखी, हमें बहुत, आप बताइए कि. मेरा रिएक्शन वही था जो पूरी दुनिया का रिएक्शन था, कि अमेजिंग फिल्म है. एंड मैं इतनी प्राउड फील करती हूँ कि ऐसी फिल्म की ना ही एक्ट्रेस बट प्रोड्यूसर भी मेरी बहन है. यू नो आई कीप सेइंग दिस कि कुछ ही साल हुए उनको यू नो हॉलीवुड गए हुए, और इतनी जल्दी उन्होंने जो सक्सेस पाया है, जिस तरह का वो काम कर रही है, जिस लोगों के साथ एसोसिएट हो रही है, मतलब इट्स अमेजिंग कि वो जिस तरह के हमारे लिए बेंचमार्क्स इंक्रीज करती रहती है. यू नो बॉलीवुड में जब वो आई, पहले मिस इंडिया बनी, फिर मिस वर्ल्ड बनी, फिर यू नो यहाँ की टॉप एक्ट्रेस, फिर वहाँ गई एज अ डेब्यूटान शुरू हुई, एंड नाउ शी इज़ रीच्ड यू नो समवेयर. यू नो यू नीड टू एटलीस्ट लेट हिम लिसन टू मी. या अदरवाइज हु एम आई टॉकिंग टू? आई फिनिश देन यू टेक द माइक. दे दो भाई माइक उसको. एक मेरा आखिरी सवाल देन. ओके, लेट हिम जस्ट फिनिश एंड देन वी विल स्विच द माइक, डोंट वरी. सर रिव्यू सर आपसे भी, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब ऐसी बातें चल रही हैं, सेंसरशिप की बातें चल रही हैं. परिणीति जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप की बातें चल रही हैं, एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे. एज एन डायरेक्टर, एज एन एक्टर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है? देन उसके बाद. सबसे पहले तो माइक दे दीजिए, तभी आंसर मिलेगा आपको. उसको बस हार्ट अटैक होने ही वाला है बेचारी को, वो रोने वाली है अब. ओके, दे दिया उन्होंने माइक. नहीं, मैं जल्दी से बोलूँगी कि एक्चुअली
हम हमेशा ये बोलते थे कि यू नो ओटीटी पे जिस तरह का हम कंटेंट लिखते हैं, जिस तरह का यू नो आता है ओटीटी पे, हम कितना कुछ ज़्यादा मज़ा करते हैं और कितने डाइवर्स कैरेक्टर्स हम लिख पाते हैं. एंड यू नो सिनेमा में कहीं पर वो रिस्ट्रिक्टेड है, बट उसके कारण, उसकी वजह है कि सिनेमा में लोग कम्युनिटी व्यूइंग करते हैं, सब फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ जाते हैं, और ओटीटी पे हम लोग अपने रूम में अकेले भी बैठ के देख सकते हैं, या हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किसके साथ बैठकर फिल्म देख रहे हैं. तो वहाँ पे कंटेंट ज़्यादा गट्सी, ज़्यादा वो हो सकता है. आई जस्ट होप ऐसा ही रहे, क्योंकि यू नो सेंसरशिप आए ज़रूर, बट आई होप कि जो ओटीटी का मज़ा है वो जाए ना बस. मुझे लगता है कि सेंसरशिप जो है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फिगरिंग आउट कि कैसा सेंसरशिप होगा कि नहीं होगा. आई एम श्योर वहाँ पे बहुत ही सॉर्टेड लोग होंगे जो इसके बारे में डिसीजन मेकिंग करेंगे. बट मुझे लगता है कि बिकॉज अभी इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ ही है, मतलब आपको कुछ भी देखना है आप इंटरनेट में देख सकते हो. तो अगर आपको कर्ब करना है कुछ भी, तो सेंसरशिप ना करें, उसको रेटिंग सिस्टम कर दे, सो दैट उनके लिए भी वो यू नो इट विल बी गुड फॉर देम, इन द सेंस दैट दे विल नो दैट ये कॉन्टेंट है, ये 10 साल के ऊपर के लोगों के लिए है या 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए है, जो भी है. तो आई थिंक रेटिंग सिस्टम हो जाएगा अगर होता है तो, या कोई भी एनीथिंग अराउंड दैट, तो आर्टिस्ट, मेकर्स, राइटर्स भी एक तरफ सोचेंगे कि नहीं, हमारा क्रिएटिव फ्रीडम को कर्ब नहीं किया गया है, और गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो भी ये डिसीजन मेकिंग हो रहा है, आई एम श्योर उनको भी लगेगा कि नहीं करेक्ट वे में ये हुआ है. सो आई थिंक दिस इज़ एक मिड ग्राउंड में आना पड़ेगा, एंड आई थिंक वही प्रोसेस चल रहा है, एंड आई थिंक कुछ महीने में सॉल्व हो जाएगा. परिणीति, जैसे कि आप लंदन में लोकल ट्रेन में सफ़र करती रहेगी, ट्रेनों में, तो यहाँ पर तो आप अपनी लग्जरी कार में सफ़र करती हैं, तो कहीं ना कहीं इन दिनों बजट आपका बिगड़ा होगा पेट्रोल प्राइस हाइक से, तो इस मुद्दे पर आप लोगों के क्या टेक है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मेट्रो में सफ़र करते हुए देखें? ऑफकोर्स, क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं मेरे पास हमेशा से कार्स नहीं थी, तो मैं मेट्रोज में और ट्रेन्स में और चल के भी, मतलब मेरे कॉलेज डेज में मैं जाती थी, सो ऑफकोर्स. बट यस, मैं पेट्रोल हाइक पे कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा. सॉरी, वी विल जस्ट टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम यू. सॉरी, पेट्रोल हाइक के बारे में मुझे नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ बोलना है कि मेरे आई थिंक एवरीबॉडी शुड स्टार्ट राइडिंग साइकिल्स, तो सेहत के लिए भी सही रहेगा, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. सो आई वॉन्ट टू टेल यू नेवर, क्योंकि मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज लड़की हूँ और मैं हर जगह टाइम पे पहुँचती हूँ, और सबसे पहले मैं, पहले ही जब मैं सुबह उठती हूँ मैं पूरा प्लान बनाती हूँ मेरे दिन का. तो मैंने टचवुड आज तक कभी कोई फ्लाइट में नहीं मिस की, ट्रेन नहीं मिस की, क्योंकि मैं बहुत ऑर्गेनाइज, मैंने आपको बोला था ना मैं बहुत पढ़ाकू और एकेडेमिक लड़की थी, तो मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है. थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, थैंक यू. या थैंक यू एवरी वन यहाँ आने के लिए और इस इवेंट, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए. तो भूलिए मत, द गर्ल ऑन द ट्रेन रिलीजिंग 26 फरवरी ओनली ऑन नेटफ्लिक्स. Thank you.